ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 1968। मीठा मीठा बेहद का बाप, मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। हर मुरली में पहले पहले याद दिलाते हैं कि समझाने वाला कौन है और समझाते किसको हैं। समझाने वाला भी मीठा मीठा है और बच्चे भी मीठे मीठे हैं। उन मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, अर्थात कोई न कोई तन में प्रवेश करके समझाते हैं। ये तो समझते हो, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला भी बहुत मीठा मीठा है। शिक्षा देने वाला कौन? शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो ये बात याद होनी चाहिए, ये हमारा मीठा मीठा बाप भी है और मीठा मीठा शिक्षक भी है। बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे सरक का वर्षा मिलता है। उनसे कह करके दूर क्यों किया? क्योंकि जिस समय ब्रह्मा के तन में बोलने वाली आत्मा सुप्रीम सोल बोल रहा था, वो माँ के रूप में पार्ट बजाए रहा था, जिसे कहते हैं त्वमेव माता। वो माता ने इशारा दिया बाप की तरफ। बाप की पहचान पहले पहले कौन देता है? माँ ही देती है। तो बोला उस बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इससे नहीं, इससे जिस तन में प्रवेश होकर के माता का पाठ बजाया, वो ब्रह्मा तन से स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता है, उनसे जो मीठा मीठा बाप है, मीठा मीठा शिक्षक है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है, मिलना है। ऐसे नहीं समझ के बैठ जाना कि हमें मिल गया, मेहलमानियां अटारियां मिल गई, बकाभक कपड़े मिल गए, बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर्स, बड़ी बड़ी कपड़ों की मिलें हमारे हाथ में आ गई, खाने पीने की वस्तुएं मुहैया बहुत हो गई, 36 प्रकार का भोजन हमको मिलने लगा, तो हम स्वर्ग में आ गए। ऐसे दुनिया में भी बहुत समझते हैं कि हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, हम कोई नरक नहीं समझते हैं इस दुनिया को। एरोप्लेन में उड़ते हैं तो नशा रहता है। बाप कहते हैं अभी स्वर्ग नहीं है, नाम ही है स्वर्ग। अर्थ क्या है? स्वयं स्थिति में जो चले जाते हैं उनका संगठन बनाता है स्वर्ग। स्वस्थिति में रहने वालों का
सब प्रकार का पालन पोषण कुदरत खुद ही करती है। ऐसे स्वर्ग का वर्षा उस बाप से तुम बच्चों को मिलना है, अभी मिला नहीं है। यहाँ हम वैश्यालय में बैठे हैं, स्वर्ग का वर्षा जिसे शिवालय कहा जाता है, जिसकी यादगार गांव-गांव में शहर-शहर में बनी हुई है, पुराने पुराने जो भी शिव के मंदिर हैं, जो शिवालय कहे जाते हैं, शिव का आलय, शिव का बनाया हुआ घर, उसमें क्या विशेषता होती है जो वैश्यालय में नहीं होती है? क्या खासियत देखने में आती है? चारों ओर सभी देवताएं बैठे हुए हैं और एक की उपासना कर रहे हैं, उसे कहा जाता है शिवालय। जबकि इसके उल्टा है वैश्यालय। वैश्या के घर में वैश्या को अनेकों की चिरौरी करनी पड़ती है। तो यहां ऐसे नहीं समझना कि हम शिवालय में बैठे हैं, यहां हर आत्मा को, हर मनुष्य आत्मा को अनेकों की चिरौरी करनी पड़ती है। देखो कितना मीठा बाप है, वो खुशी दिल में होनी चाहिए। प्योरिटी से मिठास आता है ना, ये एवर प्योर बाप है। ये बाबा हमको आधा कल्प के लिए सुखधाम में ले जाने वाला है, आधा कल्प के लिए दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा ये बाबा है जिससे हमको आधा कल्प का सुख का वर्षा मिलता है, दूसरे फिर यह है बाबा टीचर भी बनते हैं। पहले पहले कौन सा संबंध? बाप का संबंध, उसके बाद टीचर का संबंध। टीचर क्या करता है? टीचर है पाठ जो भी हो, प्रोज हो, पोएट्री हो, गद्य हो या पद्य हो, उसके एक एक शब्द के हिज्जे हिज्जे करके समझाता है। तो टीचर भी बनते हैं। ब्रह्मा के लिए नहीं कहेंगे कि जो कुछ भी उनके मुख से बोला गया उसमें एक एक शब्द के हिज्जे हिज्जे करके बताया, एक एक शब्द के अर्थ हमको बताए दिए। नहीं, ये बाबा शिक्षक बन के हमको सृष्टि का राज समझाते हैं। और ये राज बाबा के अलावा कोई भी नहीं समझा सकता। ब्राह्मणों की दुनिया में तो छोड़ो, सारी दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य मात्र विद्वान पंडित आचार्य नहीं हो सकता जो सृष्टि के राज को एक एक हिज्जे हिज्जे करके समझाए।
एक एक प्रश्न का जवाब दे। ये चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, ये सारा राज चपटी में समझाई देते हैं। चपटी माने चुटकी लगाते हैं ना, तो चुटकी लगाने में 1 सेकंड लगता है, और जब 1 सेकंड वो आवेगा कि 1 सेकंड में हमारा सारा राज 84 जन्मों का बुद्धि में समा जाएगा, जिसके लिए बोला है ब्रह्मा सो विष्णु, कितनी देर में, 1 चपटी में, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा। तो हम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, हमारी बुद्धि में भी हमारे अनेक जन्मों का सृष्टि का राज अच्छी तरह बैठ जाएगा। जब 1 चपटी में सारे सृष्टि चक्र का राज बैठ जाएगा, फिर बाबा हमको साथ भी ले जाएंगे। ऐसा संपूर्ण ज्ञानी बनाकर ले जाएंगे, सारे सृष्टि चक्र के संबंध में कोई भी अज्ञानता हमारी बुद्धि में नहीं रहेगी। जब ऐसी स्टेज हम पकड़ेंगे, फिर हमको यहां तो रहना नहीं है, कहां इस वैश्यालय में तो रहना ही नहीं है, और सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। सिर्फ हम कोई नहीं ले जाएंगे, सभी आत्माएं जाएंगी, बाकी थोड़े रोज हैं, थोड़े रोज हैं। कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ खलास हो जाएगा। बल इसमें माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे तो वो युद्ध करने से भी बचते रहेंगे। ये भी बाबा बता देते हैं, इसलिए कब विचार नहीं करना, कितने भी संकल्प विपरीत संकल्प तूफान आवे, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए, तो भी तुम डरना नहीं, और ही निडर होकर के पुरुषार्थ करती रहना। बहादुर बनकर के रहना है। बाबा कह देते हैं ये संकल्प विकल्प आवेंगे जरूर, क्यों आवेंगे है? हम नहीं याद आने देंगे, फुल स्टॉप लगाए देंगे। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी, फुल स्टॉप लग गया, कैसे आवेंगे है? जब तक 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ, 63 जन्मों की जो रील है
वो शूटिंग पीरियड में आवृत नहीं हुई है, तब तक ये संकल्प अथवा विकल्पों के तूफान जरूर आवेंगे। 63 जन्मों में अच्छे कर्म भी किए हैं और बुरे कर्म भी किए हैं, तो जो अच्छे कर्म किए हैं उनके एवज में अच्छे संकल्पों का ये आवृत्ति होगी, और जो बुरे कर्म किए हैं उनके एवज में बुरे संकल्पों की आवृत्ति होगी। ये शूटिंग चलती रहती है कब? पुरुषोत्तम संगम युग में। तो बाबा पहले से ही कह देते हैं ये संकल्प विकल्प आवेंगे जरूर, और संकल्प ही नहीं आवेंगे, स्वप्न भी आवेंगे। स्वप्न का आधार क्या है? संकल्प। और संकल्पों का आधार क्या है? अच्छे बुरे कर्म। इन सभी बातों में थकना नहीं है, डरना नहीं है, इसलिए कहते हैं आथत देते हैं, बच्चे अभी थोड़ा समय और रह गया है पुरुषार्थ का, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, ये युद्ध का मैदान है ना। इन आंखों से जो भी देखते हो वो सब खलास हो जाएगा। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी माया को जीतने में कोई सांस आदि बंद करने की दरकार नहीं है कि तुम कुंभक चढ़ा के बैठ जाओ। हठ योग क्रियाएं करने लगो, अरे श्वास तो आत्मा में होता ही है, श्वास कहो प्राण कहो प्राणवायु कहो, ये श्वास कोई शरीर में नहीं होता है, होता है मुर्दा बन जाता है, आत्मा निकल जाती है तो श्वास या प्राणवायु होती है? नहीं होती। आत्मा जब शरीर में आती है तब श्वास पड़ता है, तब कहते हैं प्राणी, प्राण को धारण करने वाली आत्मा। तो इसमें श्वास आदि बंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन हठ योग आदि में कितने प्रकार की तकलीफें सहन करते हैं, बाबा को तो बहुत अनुभव है, थोड़ा थोड़ा सीखते भी थे, परंतु फुर्सत भी हो ना। जैसे आजकल तुमको कहते हैं कि ज्ञान तो अच्छा है, परंतु हमें फुर्सत कहाँ है, इतने कारखाने हैं, इतना ये धंधा फैला हुआ है, कैसे चलेगा। तुमको बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों एक तो बाप को याद करो और ये चक्कर याद करो, बस इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? चक्कर तो फिरता ही रहता है, याद करो सतयुग त्रेता में इनो इनो का राज्य था, फिर इस्लामी आए, बौद्धी आए, फिर नंबर वार वृद्धि होती गई,
वो सब अपने अपने धर्म को भूलते गए। जो अपना असली धर्म था वो भूल करके इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि बन पड़े, तो अपन को देवी देवता तो कह न सके, क्योंकि आप पवित्र बन पड़े हैं। देवताएं तो पवित्र होते हैं। बुद्धि कैसी होती है? पवित्र बुद्धि होती है। जो पवित्र बुद्धि होगी वो दाता बुद्धि होगी या लेवता बुद्धि होगी? जितना पवित्र बुद्धि होगी वो स्वार्थ की चिंता नहीं करेगी, और जितना अपवित्र होगी देहदारियों में चिपकी हुई होगी तो अति की स्वार्थी होगी। अति का स्वार्थ लेवता बना देता है, कोई को देने की बात बुद्धि में आती ही नहीं। तो देवताएं तो पवित्र बुद्धि थे, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। कहलाते हैं हिंदू, समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, परंतु दुनिया में और खास भारत में जो अपन को हिंदू कहते हैं, वहां भारत में भी हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है या घटती जाती है? बढ़ती जाती है। तो कहते हैं सिर्फ हिंदू, वास्तव में हिंदू धर्म तो है ही नहीं, और ही हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। ये हिंदुस्तान नाम भी बाद में पड़ा है, पहले क्या नाम था? भारत नाम था। हिंदुओं का स्थान ये कोई नाम नहीं था। पहले जो नाम था वो प्रैक्टिकल में यहां रहने वालों का काम था। क्या काम था? सतयुग त्रेता में देवताएं रहते थे। सतयुग से पहले भी स्वर्ण युग की स्थापना हुई थी, वहां से नाम पड़ा भारत का। ही मेरत भा, भा माने ज्ञान की रोशनी, भाति ज्ञान की रोशनी में सदैव रत रहने वाला। आत्मा परमात्मा की स्थिति में सदैव रहने वाला। देवताएं कोई देह की स्थिति में थोड़े ही रहते, ये तो अज्ञान हो गया। देह को याद आना, देह की याद आना। देवताएं क्या याद करते हैं? उनको किस बात की स्मृति रहती है? आत्म की स्मृति रहती है। तो असल नाम तो ये भारत ही है, बाद में ये नकली नाम हिंदुस्तान और इंडिया पड़ गया। कहते भी हैं भारत माता की जय, इस आधार पर कहते हैं जय। आखरीन विजय पवित्रता की होती है या अपवित्रता की विजय होती है?
पवित्रता की ही विजय होती है। हिंदुस्तान की माताएं थोड़े ही कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत माताओं की जय है। हिंदुस्तान की माताओं की जय क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि जिस समय हिंदुस्तान नाम पड़ता है उस समय वो हिंदुस्तान की माताएं हिंसा को बढ़ाने वाली हैं या घटाने वाली है? हैं? तो बढ़ाने वाली बन जाती है। कैसे? बेविचार को कहते हैं नरक का दरवाजा और नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाए कोई तो उसको वैश्या कहेंगे या सधवा कहेंगे। भारत में वैश्याओं की पूजा होती है या सधवाओं की पूजा होती है? सधवाओं की पूजा होती है, वैश्याओं की पूजा नहीं होती है। तो देखो, एक समय था जबकि भारत में इन माताओं का ही राज्य था। सत्य में माताओं का राज्य था, त्रेता में था, द्वापर में था, अरे कलयुग में भी कभी था? है? कभी नहीं था, ऐसा झूठी बात बोल दी है। बीके में होता है, बीके में इन्होंने देख लिया। आपको पक्का दिखाई पड़ा कि कहीं गड़बड़ दिखाई पड़ा? नहीं तो अव्यक्त बाप दादा को क्यों कहना पड़ता? पांडवों को कन्याओं माताओं का गार्ड बन करके रहना है, गाइड नहीं बनना है। अगर गाइड बनेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ जरूर पड़ेगी। तो यज्ञ के अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन रूपी गड़बड़ पड़ गई कि नहीं पड़ गई? तो आपको कैसे दिखाई पड़ रहे हैं कि पांडव रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और कन्याएं माताएं कंट्रोल कर रही है? ऐसा दिखाई पड़ता है? अच्छा, फिर बेसिक में तो ऐसा दिखाई पड़ता है, फिर एडवांस में? एडवांस उल्टा दिखाई पड़ता है। ये कैसे हो गया? बोला, बाप ने आकर के नई दुनिया स्वर्ग का गेट खोलने का लकबा किसको दिया? कन्याओं माताओं को दिया। तो गेट तभी खोल सकती है जबकि उनके हाथ में सत्ता आ जावे। नहीं तो आज की गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट आज की भ्रष्टाचारी है या शिष्टाचारी है? भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कन्याओं माताओं का वो ही लकबा बन जाए, वो ही स्थिति बन जाए जो पुरुषों की है। पुरुषों से भी जास्ती प्रेफरेंस किसको देती है? कन्याओं माताओं। लेकिन यथार्थ बात क्या देखने में आती है? उन कन्याओं माताओं को ऊंचे ऊंची गद्दियों पर पदासीन तो कर देते हैं लेकिन उनके घर वालों के हाथ में सारी सत्ता रहती है। वो सिर्फ रबर स्टाम्प बन के बैठी रहती है।
तो यही आलाप ब्राह्मणों की संघ में भी दुनिया में भी बेसिक में हो गया। सारी कंट्रोलिंग पावर इसके हाथ में चली गई, भाइयों के हाथ में चली गई। जिन्हें भाइयों के लिए बोला है ये सब है दुर्योधन दुशासन। तो सारा तंत्र अज्ञान में डूब गया या ज्ञानी बन गया? अज्ञान में डूब गया। अज्ञान अर्थात भक्ति मार्ग। दुनिया वाले जो भक्ति मार्ग का अनुसरण करते जा रहे हैं, भक्ति का विस्तार दुनिया में जैसे होता जा रहा है, वैसे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेसिक का पंप एंड शो दुनिया वाले भक्ति मार्ग वालों से भी जास्ती होता जा रहा है। बाबा ने नारा दिया है भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। और हो क्या रहा है? भक्ति मार्ग जिंदाबाद होता जा रहा है। तो ये पंप एंड शो की दुनिया, बनाव श्रृंगार की दुनिया, उसका नाम रखा गया है वैश्यालय। बोला भारत में इन माताओं का राज्य था और इन माताओं के हाथ में किसने सत्ता दी? बाप ने ही आकर के माताओं के हाथ में सत्ता दी, माताओं का नाम बाला किया। इन भारत की महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं कि बाप को कैसे याद करना चाहिए, बाप की महिमा बुद्धि में आनी चाहिए, बाप का गायन बुद्धि में आना चाहिए, बाप का कर्तव्य बुद्धि में आना चाहिए, बाप का स्वरूप भी बुद्धि में आना चाहिए। बाप आए ही हैं घर ले जाने के लिए। और किसको ले जाएंगे पहले पहले? घर जाने वालों में आगे आगे नंबर किसका होगा? है? किसका होगा? अरे अभी तो बताया भारत, जो रोशनी में रत है। एक रोशनी होती है देवताओं के मस्तक के चारों ओर रोशनी दिखाते हैं, वो कौन सी रोशनी है? है पवित्रता की रोशनी। ये पवित्रता का विरुद्ध कन्याएं माताएं धारण करने में आगे जाती है। पवित्रता कहो ज्ञान कहो, अज्ञान को थोड़े ही पवित्रता कहा जाएगा। तो ये रोशनी में रत रहने वाली, पवित्रता में रत रहने वाली कन्याएं माताएं आगे जाती है प्योरिटी में। क्या भाई लोग आगे जाते हैं? तो जो आगे जाते हैं उन्हीं को पहले घर ले जाएंगे या औरों को ले जाएंगे? हैं? पहले पहले उन्हीं का नंबर लगेगा
जो बाप का विरुद्ध पालन करते हैं। बाप आए ही हैं पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए, पवित्र वातावरण बनाने के लिए, पवित्र वाइब्रेशन फैलाने के लिए, पवित्र दृष्टि बनाने के लिए, पवित्र भाषा बनाने के लिए और पवित्र कर्मेंद्रियां और कर्म बनाने के लिए। तो जिसमें जिसमें जितनी जितनी प्योरिटी की पावर आई होगी, जो जितना पवित्रता के लिए अभ्यास करेगा, उस अभ्यास में रत रहेगा, लगनशील रहेगा, वो ही पवित्र दुनिया में पहले पदार्पण करेगा। कौन सी पवित्र दुनिया है? पवित्र दुनिया कौन सी है? है सबसे जास्ती पवित्र धाम कौन सा है? स्वर्ग। वो तो नीचे उतरता जाता है, शांति धाम। तो घर में बाप पहले पहले ले जावेंगे, किसको ले जावेंगे? हैं? जो आत्म की स्थिति में स्थित हो जावेंगे उनको ले जावेंगे। तुम जितना बाप को याद करते हो तुम उतना ही पवित्र होते जाते हो। अगर पवित्र बन जावेंगे तो जरूर फिर कोई सजा नहीं खावेंगे। सजा कौन खावेंगे? जो अपवित्र रहेंगे वो सजा खावेंगे। अगर सजा खाई तो क्या घाटा होगा? जितनी जितनी सजा खावेंगे उतना उतना पद कम होता जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जितना याद करेंगे उतना ही तुम्हारे विपकर्म विनाश होते जाएंगे। बहुत बच्चे हैं जो बाबा को याद ही नहीं कर सकते हैं, बैठते हैं बाबा को याद करने और भूत प्रेत सामने आ जाते। आखरीन तंग हो करके छोड़ देते हैं, नहीं याद आते तो बाहर में जाओ। हिम्मत ही हार जाते, युद्ध करना ही छोड़ देते हैं। कोई युद्ध भूमि में जाए, युद्ध करते करते थक जाए और देखे कि ये तो हार ही होती जा रही है। तो बहुत से होते ऐसे होते हैं कि हिम्मत हार जाते हैं और हिम्मत हार जाने से क्या करते हैं, हथियार वथियार सारे फेंक दिए और दो चार लाशें उठाई और अपने ऊपर डाल ली। तो बोला ऐसे भी है। कैसे है? जो मुर्दों का संग करने लग पड़ते हैं, मुर्दे होते हैं ना, उनमें समझने सोचने की शक्ति होती है नहीं होती है? जब सोचने समझने की शक्ति नहीं है तो बुद्धि में आता ही नहीं किसका संग करना चाहिए और किसका संग नहीं करना चाहिए। अरे मुर्दों का संग करेंगे तो मुर्दा बुद्धि बनेंगे या चैतन्य बनेंगे? मुर्दा ही बन जाएंगे। चैतन्य का संग करना चाहिए। भगवान का लकब है सत्तचित्त आनंद। वो सबसे जास्ती चैतन्य स्थिति में रहने वाला है, कभी भी अचेत नहीं होता है। तो समझा जाता है
कि जो युद्ध करना छोड़ देते हैं वो राजधानी में कैसे आवेंगे? ये तो राजधानी स्थापन हो रही है ना, राजधानी में मुर्दे उठाने वाले भी चाहिए कि नहीं है? मुर्दे उठाने वाले भी होते हैं, क्योंकि नापास तो बहुत होंगे ना, गरीब प्रजा भी चाहिए। बल वहां दुख नहीं होता है, परंतु साहूकार तो हर हालत में होंगे ना। यह तो है कलयुग, यहां तो गरीब भी होते हैं और साहूकार भी होते हैं, परंतु गरीब भी दुख भोगते हैं और साहूकार भी दुख भोगते हैं। वहां चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, कोई भी किसी प्रकार का दुख नहीं भोग सकता। हर चीज मुहैया होती है। तो देखो, गरीब साहूकार की भाषणा यहां भी रहती है और वहां भी रहेगी, परंतु अंतर क्या होगा? वहां गरीबों को कोई दुख भासेगा नहीं, और यहां यहां गरीबों को भी दुख भागता है और साहूकारों को भी दुख होता है। वहां तो दुख का नाम निशान नहीं, बाकी नंबर वार तो सब जगह होते हैं, हर युग में होते हैं। राजाओं के दास दासियां, साहूकारों को दास दासियां, दोनों को दास दासियां होती है, परंतु वहां बहुत सुखी रहते हैं और यहां दुखी हो पड़ते हैं। वहां कोई रोग नहीं और आय भी बड़ी होती है। तो देखो, वहां नई दुनिया में जाने वाले इस दुखधाम को बिल्कुल भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद ही नहीं रहेगा। अभी तुमको दुखधाम और सुखधाम दोनों की याद बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसे था, कहां स्वर्ग था, ये कुछ भी नहीं जानते। अब लाखों वर्ष की बात तो कोई को याद भी नहीं आ सकती। बाप कहते हैं कल तुमको सुख था, अब फिर कल होगा। तो यहां बाप बैठ फूलों को देखते हैं, देखते हैं कि अच्छा फूल है, ये इस प्रकार से कितनी मेहनत करते हैं। ये स्थिरियम ही नहीं रहता, ये पुरुषार्थ में स्थिर भी हो जाता है, एक रस भी हो जाता है, ये पत्थर बुद्धि है। बाप देखेंगे तो ना एक एक को, परंतु देखने के बावजूद भी बाप को कोई बात की चिंता नहीं होती है। चाहे कोई अच्छा पुरुषार्थ करता है और चाहे कोई घटिया पुरुषार्थ करता है, परंतु बाप को चिंता नहीं होती है। हाँ, समझते हैं, उम्मीद रखते हैं कि बच्चे जल्दी पढ़ करके होशियार हो जाए, क्योंकि अगर होशियार नहीं होते हैं तो बाप को तो पढ़ाना ही है कि बीच में छोड़ के चले जाएंगे, हैं? पढ़ाना तो है ही, बच्चे तो बने हैं।
परंतु जल्दी जल्दी पढ़ करके होशियार हो जावे और बहुतों को पढ़ावे भी। तो देखते हैं ये कहां तक होशियार बने हैं और कहां तक दूसरों को पढ़ाते हैं, कैसे फूल है। 1968 की वाणी का दूसरा पेज। ये बातें बाप बैठ देखते हैं, क्योंकि ये है चैतन्य फूलों का बगीचा। इन चैतन्य फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारे पाप कटते रहेंगे, नहीं तो सजा खा करके फिर थोड़ा सा पद पालेंगे। इसको कहा जाता है मानी और मोचरा। मानी माने मान मर्तबा मिलेगा। अगर ज्यादा सजाएं खाई तो मोचरा भी जास्ती खाना पड़ेगा, माना पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप को ऐसे याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप जल्दी से जल्दी कट जावे। चक्र को जानना भी बहुत सहज है। जानते हो ये चक्र तो फिरता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता और जू मिसल चलता रहता है। जो भी कीड़े होते हैं उन कीड़ों में सबसे धीमी चाल किसकी होती है? जूं की बहुत धीमी धीमी चाल होती है। ऐसे ये ड्रामा भी जूं मिसल चलता है। ये ड्रामा बेहद का ड्रामा है, बहुत आस्ते आस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। बच्चों ने 5-4 वर्ष में सेकंड मिनट कितने होते हैं वो हिसाब भी निकाल करके भेजा। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई ये हिसाब भी नहीं निकाल सकता। समय गुजरते गुजरते अभी यहां तक आकर के पहुंचा है। ये है ही 5000 वर्ष का चक्र। यहां बाप और तुम बच्चे बैठे हो, बाबा एक एक बच्चे को देखते हैं यहां बैठ करके। ये बाप को कितना याद करते हैं, ये दुनियादारी को कितना याद करते हैं, इन्होंने कितना ज्ञान उठाया है और औरों को ज्ञान कितना समझाते हैं। ये ज्ञान की बातें हैं तो बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो। और ये परिचय देने के लिए बच्चों की पॉकेट में बैज तो होता ही है, और कोई चित्र हो या न हो, बोलो पॉकेट में से बैज निकालो और बोलो ये है शिव बाबा। बैज में कौन सा चित्र है? है एक तरफ त्रिमूर्ति का चित्र, दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र। तो त्रिमूर्ति के चित्र में पेंसिल से इशारा करो ये है शिव बाबा। कौन सा है शिव बाबा? है अरे त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का चित्र है, विष्णु का चित्र है, शंकर का चित्र है और तीनों के ऊपर ज्योति बिंदु का चित्र है। तो पेंसिल से किस तरफ इशारा करके बताएं कि ये है शिव बाबा?
जब कहा शिव और बाबा, सिर्फ कहा होता ये है शिव तो बिंदी की तरफ भी इशारा किया जा सकता है, क्योंकि उसकी बिंदी का ही नाम शिव है, उसे बिंदी का नाम कभी बदलता नहीं है। जब कोई शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाते हैं। तो त्रिमूर्ति में तीन शरीरधारी दिखाए गए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इस तरफ इशारा कहें और कहें कि ये है शिव बाबा, ब्रह्मा की तरफ इशारा करें ये है शिव बाबा। अगर इशारा करें तो क्या त्रुटि हो जाएगी है? ब्रह्मा के साथ शिव का नाम है। हाँ, एक तो ये भी बात है, अगर ब्रह्मा ही शिव बाबा होता तो शिव के साथ ब्रह्मा का नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें कोई का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ते हैं, ब्रह्मा का भी नाम नहीं जोड़ते हैं, तो ये तो रंग हो गया। दूसरी बात, शिव बाबा को कोई मरते हुए देखेगा है? नहीं देख सकता। शिव बाबा तो सारी दुनिया को मारने के लिए आया है या किसी के सामने खुद मरने के लिए आया है? हैं? सारी दुनिया को मारने के लिए आया है, या तो देवान से मरे, या तो फिर 5 तत्वों का शरीर छोड़ करके मरे। मरना तो जरूर पड़ेगा, और शिव बाबा को देवान होता ही नहीं, उसके मरने न मरने का सवाल है ही नहीं, इसलिए उसको कोई मरते हुए देख भी नहीं सकता। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि ना उसका जन्म है ना उसका मरण है, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा पाटधारी है। तो बोला कि बैज के चित्र पर ये समझाओ कि ये शिव बाबा है, दो शब्द हैं, एक शिव और दूसरा बाबा। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है, ग्रैंडफादर बड़ा बूढ़ा होगा या छोटा बच्चा होगा? बड़ा बूढ़ा होगा। सबसे ज्यादा उम्र परिवार में किसकी होती है? ग्रैंडफादर की होती है। तो साकार और निराकार दोनों का मेल है शिव बाबा, और उस शिव बाबा को दुनिया में सब याद करते हैं। सब का मतलब सभी धर्म वाले, चाहे कोई भी धर्म के हो, नाम कुछ भी दें, अल्लाह नाम दें, गॉड फादर नाम दें, भगवान नाम दें, बुद्ध नाम दें, कुछ भी नाम दें, लेकिन याद उस भगवान को सब करते हैं। तो एक को याद करते हैं या अनेक को याद करते हैं? अंग्रेज लोग तो कहते भी हैं गॉड इज वन, हिंदुओं में भी कहते हैं सत्य एक है, सत्य अनेक प्रकार का नहीं हो सकता, असत्य अनेक प्रकार का होता है। काशी में जाओ तो
तो भी वहां शिव बाबा याद दिलाते रहो। क्या याद दिलाने की क्या जरूरत है? काशी तो है ही शिव बाबा की नगरी, वहां याद दिलाने की जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि काशी में भी याद तो एक को करते हैं, लेकिन कोई कम याद करते हैं और कोई जास्ती याद करते हैं। काशी में जावेंगे तो देखेंगे वहां रड़ी मारते रहते हैं, शिव काशी शिव काशी, शिव बाबा। अभी तुम तो शालिग्राम, क्या तुमको कहा जाता है शालिग्राम? जानते हो कि आत्मा हमारी बिल्कुल छोटी है, परंतु इस छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा शरीर में ही प्रवेश करके पार्ट बजाती है, और ये आत्मा जो शरीर में प्रवेश करती है वो कभी भी बढ़ती घटती नहीं है। शरीर बढ़ता है घटता है, परंतु आत्मा तो अति सूक्ष्म है और विनाश भी नहीं होता। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। उन आत्माओं में ड्रामा अनुसार पार्ट भरा हुआ है, और ऐसा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो कल्प कल्पांतर से पार्ट आत्माएं बजाती आई, फिर भी वो पार्ट जिसका नहीं है। ये अविनाशी रिकॉर्ड है। तो ये बात तुम बच्चे ही जानते हो। इस दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको हम बाप टीचर सदगुरु कहें। कोई हो तो बताओ। ब्रह्मा को बाप टीचर सदगुरु कहें, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ब्रह्मा का तो नाम ही है ब्रह्मा, बड़ी माँ। माँ बीज को धारण करती है या खुद ही बीज बाप है? वो तो बीज को धारण करती है। माँ बीज बाप नहीं हो सकती। जैसे गीता में भी लिखा है, हम बीज प्रदत्त पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूं। तो साबित होता है कि ब्रह्मा कोई ज्ञान का बीज आरोपण करने वाला नहीं था। ब्रह्मा के अंदर भी साक्षात्कार के बाद जो जिज्ञासा पैदा हुई, उसे जिज्ञासा को शांत करने के लिए ज्ञान का बीज धारण कराने वाला बाप कोई दूसरा था। तो ब्रह्मा बाप नहीं है जो बीज आरोपण करता है। बाप का पहला पहला काम बीज बोना, और अंतिम काम बच्चों को वर्षा देना। तो ब्रह्मा तो बीच में ही शरीर छोड़ दिया, बच्चों को सुख शांति का अखंड वर्षा तो मिला ही नहीं। तो दुनिया में कोई मनुष्य नहीं है जिसको बाप टीचर सदगुरु कहे। जैसे ब्रह्मा बाप भी नहीं है टीचर भी नहीं है। जो भी वाक्य बोले हैं ब्रह्मा के मुख से, उन वाक्यों का समाधान न ब्रह्मा के पास, न सरस्वती के पास, न कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास है, क्योंकि वो टीचर का पार्ट बजाते ही नहीं। ये तो एक ही शिव बाबा है,
जो बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है, और अंत में वो ही एक स्वरूप है, वो ही एक पर्सनालिटी है जो संसार में सदगुरु बनकर के प्रत्यक्ष होती है। ओम शांति।